welcome to your youtube channel ncrt adda so here we have taken class eight chapter that is pressure and uh, i have already made four videos on this chapter and uh, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज़ प्रेशर एंड उससे रिलेटेड काफ़ी सारी जो एग्जांपल्स है जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं अपने आसपास सो वी हैव टेकन ऑल दोज एग्जांपल्स इन आवर फर्स्ट वीडियो देन वी हैव टॉक्ड अबाउट के प्रेशर इन लिक्विड्स प्रेशर जो लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है जो लिक्विड है वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है जो लगा रहा है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ठीक फिर हम लोगों ने पढ़ा थर्ड वीडियो थर्ड वीडियो में कि उस लिक्विड प्रेशर को जो uh, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं लिक्विड उसको मेजर कैसे किया जाता है तो मैनोमीटर के बारे में हमने पढ़ा फिर इन फिर फोर्थ वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट के प्रेशर इन एयर जो एयर एयर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है दैट इज मतलब जिसे हम लोग एटमोस्फेयरिक प्रेशर बोलते हैं ना जो एयर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसके बारे में हम लोगों ने अपनी फोर्थ वीडियो में पढ़ा है तो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेजर दैट एटमोस्फेयरिक प्रेशर ठीक है तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे मेजर करेंगे किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे उसके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है तो जैसे उस इंस्ट्रूमेंट के लिए उस इंस्ट्रूमेंट के लिए उसको मेजर करने के लिए वी हैव टू यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज़ बैरोमीटर मतलब बैरोमीटर की हेल्प से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं किसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अब कैसे मेजर कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक आपका ये आप कह सकते हैं कि बीकर है या जो भी है ठीक है बीकर है देयर इज़ अ कॉलम ऑफ मर्कुरी इन एन इन्वर्टेड ट्यूब सपोर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पर मर्क्यूरी फील्ड है अब आप देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर ये इन्वर्टेड ट्यूब जो है अब ये मर्करी फिल है तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक ज़्यादा होता जाएगा या डेंसिटी एयर की ज़्यादा होते चली जाएगी हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में या जो भी एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा जितने भी हाइट पे तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्केल होती है वो उतना राइज़ करता चला जाएगा राइज़ करने का इन देंस दे है कि वो उतना उसकी जो हाइट है बैरोमीटर uh, की जो इसकी मर्क्यूरी uh, की जो हाइट है उस तरीके से वो वेरिएट कर मतलब वेरिएशन उसमें हमें देखने को मिलेगा जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस समय पे होगा इट मींस के द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर ऑन द मर्क्यूरी क्योंकि इसके सरफेस पे तो एटमॉस्फेरिक लग रहा है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके मर्क्यूरी uh, पर लग रहा है तो द मर्करी एग्जर्टेड बाय एयर ऑन द मर्करी ऑफ ड्रफ इज़ एबल टू होल्ड सर्टेन हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम अब जैसे कि एयर जैसे ही एयर प्रेशर लो होता है मर्करी नीचे नीचे डाउन होती चली जाती है नीचे चली जाती है एंड वन एयर प्रेशर इंक्रीजेस जो हाइट होती है मर्करी कॉलम की वो इंक्रीज कर जाती है तो वी कैन मेजर द प्रेशर बाय द वेट ऑफ मर्करी कॉलम इन एम एम हम उसको किस में मेजर करते हैं एम mm. एम ये एच जी जो लिखा है एच जी क्या है मर्करी का फॉर्मूला है ये क्या है मर्करी का फॉर्मूला क्या होता है एच होता है ठीक अब यहाँ पर लिखा है एट द सी लेवल इट इज़ सिक्स सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जो नॉर्मल इसकी रेंज है नॉर्मल रेंज जो है सी uh, लेवल के ऊपर से हम लोग इसको पूरा नापते हैं बिकॉज़ वी ऑल नो ना कि सी लेवल के रिस्पेक्ट में एयर की डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि उस क्योंकि उसके ऊपर में सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें तो एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है ठीक है सी लेवल के ऊपर तो हम इस सी लेवल के कंपैरिजन में उसको मेजर करते हैं तो जो नॉर्मल रेंज है वो है सेवन सिक्सटी एम ऑफ एच तो एट सी लेवल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेवन सिक्सटी एम है एच का मतलब मरकरी का जिसे हम लोग एक एटमॉस्फेरिक के इक्वल उसको समझ के चलते हैं तो 760 सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी इज इक्वल टू एटमोसफेरिक प्रेशर एट सी लेवल अब यहाँ पर हम लोग कुछ एयर प्रेशर एयर प्रेशर से जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे ठीक है जैसे कि वी यूजली यूज़ दिस बबल्स ऑफ एयर स्केपिंग वाइल प्रेसिंग द रबर ऑफ पिस्टन मान लीजिए ये कोई आ, पिस्टन है और ऊपर रबर लगी हुई है ठीक है रबर लगी हुई है अब आपको क्या करना है इसमें से अगर आपको लिक्विड लिक्विड uh, इस पिस्टन uh, में आपको फिल करना है तो आप क्या करेंगे ये जो रबर की ट्यूब है पहले आप इसे क्या करते हैं इसे प्रेस करते हैं ताकि इसके अंदर की जो एयर हो वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाए ठीक है अब क्या होगा बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना बाहर से क्या लग रहा है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और आपने अंदर में इस पिस्टन को डिप किया हुआ है लिक्विड में अब जैसे जैसे आप इस रबर को रिलीज़ करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये लिक्विड जो है इसमें फिल होता चला जाएगा क्यों क्योंकि एयर इस ट्यूब के अंदर में वो कम है इन कंपेरिजन टू द एयर प्रेशर विच इज़ आउटसाइड ठीक है आउटसाइड में जो एयर प्रेशर है उसके कंपैरिजन में जो अंदर प्रेशर है वो कम है तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि व्हेन वी रिलीज़ द द बल्ब इज़ रिलीज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज़ लेस बट एयर ऑफ प्रेशर ऑफ़ एयर इज़ आउटसाइड इज मोर बाहर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है इसी जितना ज़्यादा लार्जर प्रेशर ज़्यादा रहेगा इट विल वो उसको पुश करेगा क्या करेगा अगर क्योंकि एटमॉस्फेरिक ज़्यादा है ठीक है एटमोसफेयरिक तो लग रहा है तो वो उसको पुश करेगा और जब वो उसको पुश करेगा तो उस ट्यूब के अंदर में वो मेडिसिन या जो वो लिक्विड है वो पूरा का पूरा फिल हो जाता है इसी तरीके से फ़ाउंटेन पेन भी हम फिल करते हैं फ़ाउंटेन पेन भी हम इसी तरीके से जो पहले के टाइम पे लोग पेन यूज़ करते थे इंक वाली जिसमें इंक पॉट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी हम इंक फिल करते थे पेन में उस इसी की हेल्प से हम लोग इसी तरीके से हम लोग वहाँ पर भी इंक उसमें फिल कर लेते थे ठीक है विद द हेल्प ऑफ दिस अब इसी तरीके से आर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिरिंज सिरिंज मतलब इंजेक्शन सिरिंज मतलब इंजेक्शन इसका मतलब है कि डॉक्टर्स यूजुअली मतलब दे आल्सो यूज इंजेक्शंस ठीक है उनको तो उसके अंदर में क्या होता है कि सिरिंज के अंदर में हम लोगों को मेडिसिन फिल करनी होती है तो हम लोग आप लोगों ने देखा होगा मान लीजिए इस तरीके की अगर इंजेक्शन है तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंजेक्शन और ये मान लीजिए मेडिसिन की ये पूरी की पूरी बॉटल है तो पहले क्या करते हैं इस पिस्टन को ये जो बाहर वाला है पहले इसको पूरा यहाँ तक आगे तक लेकर के आते हैं ताकि जिसमें इसमें अगर कुछ भी एयर हो कुछ भी इसमें है तो वो बाहर निकल जाए ताकि जब वो बाहर निकल जाएगी तो आराम से हम इसमें से ए इस इस लिक्विड में हम क्या कर सकते हैं इस लिक्विड को इस इंजेक्शन के अंदर आराम से हम फिल कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्योंकि इस यहाँ पर आप जब निडल देखते होंगे तो निडल के एकदम एंड पे एक बहुत छोटा सा होल होता है उस होल में से हम उस एयर को बाहर निकाल देते हैं ठीक है उस एयर को क्या करते हैं हम एयर को पुशड आउट कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम दैट नैरो होल इन इन द निडल ठीक है सो वेन वी पुट द नीडल इन द लिक्विड मेडिसिन जैसे ही हम डालते हैं और हम हम क्या करते हैं आउटसाइड से प्रेशर लग रहा होता है और धीरे धीरे ये जो मेडिसिन है वो अंदर इस, इस पूरे जो सिरिंज है या पूरा पूरा ये जो सिरिंज है उसमें पूरी की पूरी वो मेडिसिन फिल हो जाती है ठीक है वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट वाले में हाँ जब हम स्ट्रॉ का यूज़ कर रहे होते हैं जब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फ्रूटी आप लोगों ने फ्रूटी देखा होगा फ्रूटी पीते हैं आप तो ठीक है किनारे में छोटा सा होल होता है और यहाँ पर स्ट्रॉ दे दी जाती है एंड आप उस तरह, उस उससे आप बहुत आराम से आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं या आप उस कोल्ड ड्रिंक को या जो भी लिक्विड आपको पीना है आप आराम से पी सकते हैं ठीक है तो होता क्या है कि दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द एयर प्रेशर जब हम स्ट्रॉ से कोई भी चीज़ पीते हैं तो हम देखते हैं कि पहले कुछ ना कुछ एयर हमारे मुंह में चली जाती है मतलब हमारे माउथ में पहले कुछ ना कुछ एयर जाएगा उसके बाद ये लिक्विड जाता है ठीक है क्योंकि जो क्या होता है कि ये जो पाइप है उसमें जो एयर फिल्ड है पहले वो हमारे माउथ तक जाती है फिर दिस मेक्स द प्रेशर ऑफ एयर अब क्या होगा अब बाहर में प्रेशर लग रहा है तो वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इस स्ट्रॉ में ठीक है उसका इस, उस स्ट्रॉ में जो एयर था वो तो अब खत्म हो चुका है बिकॉज हमने उसको सॉलो कर लिया है तो दिस मेक्स द प्रेशर ऑफ एयर इन साइड द स्ट्रॉ इज लेस देन द प्रेशर विच इज़ आउटसाइड जो आउटसाइड में एयर लग रहा है और जो अंदर स्ट्रॉक है वो स्ट्रॉ के अंदर कम है एयर ठीक है एयर प्रेशर और बाहर ज़्यादा लग रहा है एयर ज़्यादा है ठीक है अब जो आउटसाइड की एयर रहेगी वो पुश करेगी कि हम कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक उस स्ट्रॉ में जाए मतलब ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो स्ट्रॉ में जाए और उस स्ट्रॉ से हमारे माउथ में जाए ठीक है so, सो इस तरीके से हम बहुत आसानी से स्ट्रॉ की हेल्प से हम लोग क्या फ़ील कर आ, क्या हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं सो आर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ के एयर प्रेशर की हेल्प से वी कैन मेक अ फाउंड मतलब कैन मेक अ फाउंटेन ऑल्सो ठीक है फाउंटेन मतलब फवारे जैसा जो होता है ना हम लोग उसको बना सकते हैं अब क्या करना है हमको एक बॉटल लेना है और उसमें दो इस तरीके की एक ट्यूब डाल देनी है ठीक है ट्यूब ले सकते हैं और एक ट्यूब ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी सी बेंट हो और आप उसको ब्लो कर सकें और सेकेंड ऐसी होनी चाहिए जो कि बस ऐसे ही रखी रहे अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इस तरीके ऊपर से कॉक लगा देना यू कैन पुट एयर टाइट एनी टाइप ऑफ जो भी एयर टाइट कुछ भी क्लोज़र आप लगा सकते हैं उसके ऊपर या कॉक आप लगा दीजिए कॉक भी का भी हेल्प की मदद मतलब कॉक भी लगा सकते हैं ऊपर छोटा छोटा होल कर देंगे ताकि वहाँ से ये ट्यूब थोड़ी सी बाहर आ सके अब आपको क्या करना है कि एक जगह अभी इसमें पानी आपने फ़िल कर दिया ठीक है इस बॉटल में पानी फिल है एक ट्यूब ये है एक ट्यूब ये है एक ट्यूब आपके माउथ से क्या है एक आपके माउथ से फिक्स्ड है अब आप उसको क्या करेंगे ब्लो करेंगे क्या करेंगे जो फर्स्ट वाली आपकी ट्यूब है उसमें आप एयर को ब्लो करेंगे खूब ज़्यादा अमाउंट में अब क्योंकि आपने ऊपर कॉर्क लगाया है इसीलिए ऊपर से प्रेशर कुछ पड़ नहीं रहा है ठीक है ऊपर से कुछ भी प्रेशर नहीं लग रहा है क्योंकि आपने ऊपर से एयर टाइट किया हुआ है उसको ठीक है अब क्या होगा अंदर में एटमोसफे अंदर का जो प्रेशर है एयर प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा क्या हो जाएगा अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ से जैसे ही क्यों क्योंकि वो एयर ब्लो कर रहा है ना ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है वो एयर ब्लो कर रहा है और यहाँ से और यहाँ अंदर का जो प्रेशर है एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो जब आप ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ जब एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसको पुश करेगा इस वाटर को मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा कि वो बाहर निकल के आए तो जब वो बाहर निकल के आएंगे तो सेकंड Uh, आपके ट्यूब से वो एज अ फाउंटेन वो बाहर निकल के आते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेन वी ब्लो एयर थ्रू द बेन ट्यूब द प्रेसर इनसाइड द बॉटल इंक्रीजेज एंड दिस पुश द वॉटर टू राइज थ्रू द सेकेंड ट्यूब एंड दिस कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन अब आखिरी जो हमारा है वो सिफन है एयर प्रेशर की हेल्प से वो फोर्स करता है लिक्विड को ताकि हम एयर प्रेशर मतलब क्या करता है फोर्सेस लिक्विड थ्रू द सिफिन अब जैसे क्या करना है सिफ़िन इज़ यूज टू ड्रॉ द लिक्विड्स फ्रॉम बिग वैसल्स बड़े बड़े बिग बिग वेसल्स से हम कैसे वाटर को निकाल सकते हैं तो उसके लिए हमको सिफ़न का यूज़ करना पड़ता है जैसे कि ये एक दिस इज़ अ ट्यूब ऑफ ग्लास मेटल या रबर की ठीक है ये जो ट्यूब होगी वो ग्लास रबर या मेटल की हो सकती है अब एक जो आर्मर रहेगा आपका वो छोटा रहेगा और एक आर्मर क्या रहेगा आपका छोटा आम और एक आम क्या रहेगा बड़ा रहेगा ठीक है एक छोटा आम और एक बड़ा आम रहेगा अब क्या करना है आपको कि शॉर्टर आम को क्या करना है आपको बड़े लिक्विड में जो बड़े लिक्विड में जिसमें पानी है उसमें आपको डिप कर देना है और ये ये एम्प्टी अभी ये वेसल जो आपने सेकेंड रखा है जिसमें ड्रॉन आउट वा मतलब वाटर जो है ड्रॉन आउट होकर के बाहर आएगा वो अभी आपका एम्प्टी रहेगा बाद में वो फिल्ड होगा ना बाद में वो फिल्ड होगा तो आपको क्या करना है कि ये शॉटर आमर इस साइड रखना है जहाँ पर वैसल्स पूरा पानी से भरा हुआ है ठीक है अब क्या है कि धीरे धीरे आप देखेंगे द लोंगर आर्म इज़ पुस्ड इन टू द एम्पटी कंटेनर ठीक लॉन्गर आर्म आपने यहाँ दे दी अब अब जैसे ही एयर इज सक्ड फ्रॉम द लॉन्गर आर्म जैसे ही होगा जो प्रेशर होगा इनसाइड द ट्यूब वो धीरे धीरे क्या करने लगेगा वो डिक्रीज करने लगेगा एयर प्रेशर इनसाइड द ट्यूब विल बी डिक्रीज एंड जैसे ही वो डिक्रीज करेगा वो शॉर्टर आर्मर से धीरे धीरे करके वो नेक्स्ट वाले लॉन्ग आर्मर पे आता जाएगा और धीरे धीरे नेक्स्ट वाले लेवल में नेक्स्ट वाले आपके वेसल में वो लिक्विड कलेक्ट होता चला जाएगा और वो तब तक कंटिन्यू रहेगा अनटिल द लेवल ऑफ द टू वैसेल्स बिकम इक्वल जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता या पूरी तरीके से कंप्लीटली जो लिक्विड है वो ड्रॉन आउट नहीं हो जाता ठीक है सो बाय द एयर प्रेशर फोर्सेज इसकी फोर्सेज से लिक्विड्स को हम थ्रू अ सिफन हम क्या कर सकते हैं एक वेसल से दूसरे वेसल में ड्रॉन आउट कर सकते हैं अब क्या है कि वी अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि एयर जो है दे एयर प्रेशर कैन पुशेज द थिंग मतलब एयर जो प्रेशर है वो थिंग्स को पुश कर रहा, करता है जैसे अभी यहाँ पर आप सेल बोर्ड देख रहे होंगे और यहाँ पर सेल बोर्ड में आप ये सेल बोर्ड जो होती है वहाँ पर इस तरीके से कपड़े लगे होते हैं ठीक है जैसे जैसे वो uh, जिस डायरेक्शन में एटमोसफेयर जिस डायरेक्शन में एयर मूव कर रहा होता है एयर घूम मतलब एयर ज़्यादा एयर जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन में आपकी बोट क्या हो जाती है अपने आप उधर की तरफ चलने लगती है तो ड्यू टू द एयर एयर प्रेशर की वजह से ना क्योंकि एयर एग्जर्ट कर रहा है है प्रेशर जिसकी वजह से ये जो सेल बोट है, अपना डायरेक्शन वो उस तरफ उसने मोड़ लिया जिस तरफ आपका हवा का डायरेक्शन है ठीक है अब यहां पर इसी तरीके से विंड मिल भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही वजह से वो राउंड राउंड ऐसे घूम पाती है तो दिस इज़ मतलब विंड मिल भी इसी की वजह से एयर क्या है एयर क्या कर रही हैं दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर एटमोसफेयरिक प्रेशर लग रहा है जिनकी वजह से ये पूरी तरीके से घूम पाती हैं और इलेक्ट्रिकिटी जनरेट हो पाती है ठीक है ये है काइट वग़ैरह जो लोग उड़ाते हैं जैसे कि काइट फ्लाई करते हैं हम लोग तो ऑल दीज थिंग्स आर फ्लाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर बहुत सारी चीज़ें हैं एयर प्रेशर की वजह से अब जैसे मान लीजिए खूब तेज़ हवा चल रही हो तो यू ऑल हैव सीन की जो चीज़ें रहती हैं वो उड़ने लगती हैं ठीक है ठीके? तो कौन उनको पुश कर रहा है एयर प्रेशर ही तो पुश कर रहा है ना वी आर नॉट पुशिंग देम ठीक है समटाइम्स यू आपकी साइकिल भी गिर जाती होगी ठीक है दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर अगर बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं ना सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स ठीक है तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली देखा है कि हम लोगों ने बैरोमीटर के बारे में देखा एंड के डेली लाइफ में एटमोसफेयरिक का क्या यूज़ है उसके बारे में हम लोगों ने देखा है सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी टिल हेयर एंड इन आ नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि ये जो एटमोस्फेयरिक प्रेशर में वेरिएशन देखने को मिलते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड एटमोसफेयरिक के कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो प्लीज़ इस Stay tuned with us, and if you like my video, don't forget to like, subscribe, and share uh, my videos. And uh, please uh, do a subscription for uh, more videos. So, see you in the next video of this chapter, and thank you for watching.